हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है इक्ष्वाकूनामी का दिन, तो मैं जा रही हूँ अपने बगीचा एंड मैं पहुँच गई हूँ अपने बगीचा। एंड या मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मतलब मैं बहुत टाइम के बाद गई थी, शादी के बाद मैं एक बार गई थी, उसके बाद से मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि 2-3 दिन के लिए हम लोग जाते हैं घर, फिर नहीं जा पाते हैं। तो आज मैं गई थी वहाँ पे, तो बहुत मैंने मस्ती की, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुकून मिला। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्या कर रही हैं वो आप? वो खट्टा है, तब भी खा रही है, बहुत अच्छा होता है इसलिए। आपके दर्द भी तो होते हैं पैर, तो उसके लिए तो अच्छा है ना। आंवला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, रोज खाना चाहिए। खाते नहीं है लेकिन हम लोग। चलो अब आप कहाँ पे जा रही हैं? मम्मी जा के पास। और अब हम लोग खाने भी तो जा रहे हैं। हाँ, खाना खाएंगे। आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाया जाता है। पलंग आ रहा है हमारा। तो हम लोग खाएंगे खाना। मम्मी की हेल्प करो। हाँ तो आप ही तो खड़ी होती है। और ये हमारे बाहुबली डॉल निकली ओमी। वाओ, इसमें तो न्यू वाला निकला। पापा बैठो। हाथ धो रहे। कहाँ गई डॉल? वाओ, तू ऐसे ऐसे ये बनी है। रिंग है देखो। हे गाइस, सो हम लोग का खाना हो गया है वहाँ पे। एंड मैंने खाई थी खिचड़ी बिकॉज मेरा पेट ठीक नहीं है। सो अभी हम लोग बस थोड़ा सा बैठेंगे, फ़ोटोज़ निकालेंगे, थोड़ा सा बातें चाते करेंगे। कितना बज गया है? 4 बज गया है। थोड़ी देर बाद जाएंगे घर क्योंकि अब रात भी जल्दी होने लगी है। यहाँ पे आके बहुत सुकून सा मिलता है, पता नहीं क्यों। मुझे ग्रीनरी के पास ग्रीन चीज़ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है एंड पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये बात सच है, मेरे साथ ऐसा होता है। सो फोटोज़ के लिए अच्छा है, मतलब अच्छा व्यू आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं कुछ फ़ोटोज़ निकाल लूँ, उसके बाद जाएंगे घर पे। एंड देखो मैं आपको दिखा दूँ। हम लोग बैठे नहीं, मम्मी पहने हुए हैं। तो मेरे इस बगीचे में अमरूद का और आंवले के पेड़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये अमरूद का है, ये आंवले का है।
बहुत सारे आंवले लगे हैं देखो। तो सूज भी गए हैं एंड मुझे अरोमिका को जुकाम भी लग रहा है, जैसे जुकाम हो रहा हो। एंड मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी, मुझे याद है मैंने इस पेड़ पे कुछ खेला था, बनाया था, मुझे ये याद है। इस वाले पेड़ के नीचे आई, मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। और सबसे मेन चीज़, मैं जब मैं हुई थी, जब मैं इधर आई थी मम्मी पापा के पास, तब मम्मी पापा ने ये बगीचा लगाया था। मतलब मम्मी पापा ने नहीं, पापा ने जब ये बगीचा लगाया था जब मैं उनकी लाइफ में आई थी, पापा की लाइफ में। तो एक तरीके से मतलब जितने साल की मैं हूँ उतने साल का ये बगीचा है, तो इससे मुझे इसलिए भी और ज़्यादा अटैचमेंट है। और या यही सब चीज़ें हैं। अभी हम लोग थोड़ी सी फ़ोटोज़ निकाल लें, फिर जाएंगे घर पे। तब तक के लिए बाय बाय। हाय करो सबको। ओ मेरा लाल, क्या हुआ? क्या दो हाय। कैसी हो? क्या हुआ लाल? ये देखो अमरूद। बेटू क्या हो गया? पोटी आई। ओके कर लो। अमरूद। बाय ओमी। अच्छे से पकड़ी हो, लगे ना चोट। अब फोटो निकाल लेंगे। मजा आया? मना तुम भी जाओगे? जाओगे गोल गोल। ये क्योंकि सास भी बेटे मेरा बगीचा है और यहाँ पे हमारा पाड़ी हो रही है। पाड़ी 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 हो रही है। फूल देखो कितना अच्छा है यार।